नमस्कार दैनिक शिवचाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को आज के दिन रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के पावन नवरात्रों के बाद आज रामनवमी का दिन है और कल दशहरा होगा, यानी कि अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। उसी के समक्ष हर साल की तरह हर नवरात्रों के समय सेव राइक ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर हर साल अवगत करवाते हैं कि सूर्यपुत्री तवी को गंदा नहीं करना, उसे स्वच्छ रखना है। और इसी के चलते जब भी लोग साग परवाने आते हैं, यहाँ पर बर्तनों को लिया जाता है, पॉलीथीन्स को लिया जाता है, सिर्फ मिट्टी में दिया जाता है ताकि वो जाकर विसर्जन साग विसर्जन कर जाए। तो इसी के चलते ये अवेयरनेस भी चलाई जाती है लगातार आए दिन। आपने देखा जब भी नवरात्रों का पावन अवसर खत्म होता है उसके बाद लोगों ने अपने घर में जो माता को बीजा होता है, साग बीजी होती है, उसके बाद इसे परवाने के लिए लोग आते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। सूर्यपुत्री नदी जो है प्रदूषित ना हो, उसे उसमें हम पॉलीथीन वगैरह ना जो हानिकारक होंगे, उसी के चलते ये स्टूडेंट जो वॉलेंटियर्स हैं हर के नवरात्रों के समापन के समय, यानी जब नवमी होती है, तो इसी तरह से लोगों को अवगत करवाते हैं, इसी तरह से अपना जो एक कर्तव्य निभाते हैं जो कि हर शहरी को निभाना चाहिए। और देखो पूरी तरह से मौली है, नींबू है, इसमें जो चीज़ें भी रखी हुई हैं उन्हें रख लेते हैं और बर्तन जो मिट्टी का है सिर्फ उसे ही जाने की अनुमति दी जाती है। ये देखिए इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों का भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है ऐसी चीज़ों में भागीदारी, इन बच्चों का मनोबल बढ़ाना। तानिश, यानी हर जब भी नवरात्र का समापन होता है यहाँ पर रामनवमी का दिन और लोग साग विसर्जन करने आते हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ युवा देखे हैं हमेशा यहाँ पर बड़ी अपनी प्रतिबद्धता से अपना जो दायित्व निभाते हैं, ये दायित्व जनता का निभाना शुरू कर दे तो कैसा? यही होगा कि जितना भी प्रदूषण वगैरह फैलता है वो सब कुछ कम हो जाएगा और सारी नदियाँ साफ रहना स्टार्ट हो जाएगा और उससे मतलब लोगों के रहने में आसानी होगी, लोग लंबा जी सकते हैं। कितना अच्छा लगता है जब लोग आते हैं विसर्जन करने तो यहाँ पर आपके पास होते हैं जाते हैं और लोगों को एक यानी समझ भी आती है, लोग अवेयर भी होते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ। तो सूर्यपुत्री तवी नदी सबसे पहले आपके पास आते हैं, बस यही होता है कि मतलब साफ सफाई के लिए अवेयरनेस फैलती है, लोगों को भी पता चलता है कि हमें साफ रखना चाहिए सब कुछ और प्रदूषण कम फैलाना चाहिए। अर्शदीप सिंह, यही कहना चाहूंगा कि लोगों के भी और योगदान मतलब अपना हिस्सा बताना चाहिए, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो लोग क्यों नहीं कर सकते, तो उनको भी आना चाहिए। चलो प्यारी प्यारी बच्चे भी यहाँ पर, जय माता दी, जय माता दी। ममता मनीप कौर खालसा, क्या कहोगे तुम? कुछ नहीं, कुछ खास। यहाँ पे आज के दिन जिस तरह से आप देखते हैं लोगों को अवेयर करते हो सूर्यपुत्री तवी को साफ रखने का, आप लोगों को समझाते हो तो लोग समझ भी रहे हैं? हाँ जी, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, कहीं नहीं भी समझते। आप भी अपनी सेवा दे रहे हैं? हाँ जी। ये देखिए समय हमारे जम्मू की खासियत है, जम्मू कश्मीर हमारे देश की, भाईचारे की, यहाँ पर हर समुदाय के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे जो यहाँ पर अपना दायित्व निभा रहे। सूर्यपुत्री तवी नदी यानी प्रदूषित ना हो, उसी के चलते आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं हर तरह के, आपको यहाँ पर लिव फॉर अदर्स के जो वॉलेंटियर हर साल इस नवरात्रों में हमें यहाँ पर देखते हैं जबकि रामनवमी होती है। चलिए नीचे बताते हैं आपको, ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। और इस समय हम आपको बता रहे हैं जिन लोगों ने पूरे नवरात्रे व्रत रखे हैं माता रानी के और बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने साग बीजिए घर में, यानी कि माता रानी को साक्षात अपने घर में विराजमान करा, उसके बाद आज के दिन माता रानी के जब नवरात्रे खत्म हो जाते हैं फिर साग विसर्जन किया जाता है और उसी चलते आप देख रहे हैं समय तो सूर्यपुत्री तवी नदी में है जहाँ पहले काफ़ी गंदगी दिखती थी पर आप काफ़ी हमने देखा होगा स्वच्छ दिख रहा है। यहाँ पर उस तरह से गंदगी तो है अभी भी पर ये हम लोग जब मिलकर नहीं इस चीज़ को समझेंगे कि सूर्यपुत्री नवी तवी नदी जो हमारी प्राचीन नदी है हमें मिलकर इसे साफ रखना है तो तब तक ये वो एंट्री बेचारे जितना मर्जी करें लोगों को खुद भी समझना होगा। और देखिए ढोल भी बजा रहे हैं यहाँ पर और देखिए लोग सामने आप देख रहे हैं आप सभी को जो जो
एक मिनट बेटा जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट और बोलो। लाइट चल रहा है, समय चलिए, हमारे साथ क्या नाम है बेटा? अंबिका। अंबिका आज आप आए हो, आप भी साथ में सज्जन करने आए थे। लोगों से क्या बोलोगे, जब भी नहीं समझते हैं, देखो गंदगी कितनी डाली हुई है। बिल्कुल, वॉलंटियर बेचारे लगे हैं, पर कितनी देर तक वॉलंटियर भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हमेशा देखना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए सारा कुछ, आराम से खुद जाके आगे जाके करके आए। यहाँ गंदगी ना फैलाए, हमारे जो NSS वाले हैं और दूसरे NGO वाले हैं वो ऊपर खड़े हैं, उनको पकड़ा दिया जाए सारा सामान। वो बेचारे इतनी हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, उनको देखना चाहिए। थैंक यू। हाँ जी, सारे जी जी। चलिए देखिए, छोटी छोटी बच्चियाँ जो है यहाँ पर कंजे के मांगने आई है यहाँ। तो भेंट गाओ दो ना माता रानी की, भेंट गाओ माता रानी की। हाँ, माता रानी के दरबार में हो तो भेंट गाओ। कोई गाओ। ए माँ काली कान चाहे देनी पड़े, दे काली कान को बड़ा वाली दे काली। ए माँ काली राजस्थान से, मैं राजस्थान का हूँ। यहाँ पे हम मामों को हो गया, दो तीन साल हो गया, दो तीन दिन हो गए। कैसा जाए? अरे थोड़ा थोड़ा कम कम हो रहा है। बेल जी, बेल 11 रुपए की बेल, माता नाथ बेल, बड़ी खुशी थी बेल जी। हाँ जी भैया, क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम बीरू। कहाँ से आयो? बड़ी ब्राह्मणा तेली बस्ती रजीव कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट सांबा सर। सांबा से रहते हैं? हर हर यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? सही लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है। कमाई हो जाती है? कमाई वाली क्या बात है, उसके नाम पे जो डंके बच जाते हैं तो ठीक ही है, हाजिरी लगाने हमें मंजूरी है। कुछ अभी माता रानी का कोई भेंट सुनाओ। बजाई बजा ही सकता हूँ, अगर गा नहीं सकता हूँ। सुनाता हूँ माता रानी का भजन। भाई छोड़ो ना। अच्छा है, ठीक है क्या? जी बिल्कुल। देखो ये विक्रम चौक की जो नदी है ना, यहाँ पे माता रानी का मेला भर रहा है। यहाँ पे करोड़ आदमी आ चुके हैं सुबह से, आ रहे सुबह 7 बजे से लगाकर शाम को 9 बजे तक चलेगी ये पब्लिक। बोलो माता रानी की जय, बोलो माता रानी की जय। बस चलिए जी, माता रानी की खुश और इसे भी हम देख रहे हैं दृश्य में। हर कोई अपनी श्रद्धा से आ रहा है यहाँ सूर्यपत्री तवी नदी में, जो साख पर बा कर जा रहे। माता रानी सबका भला करे, माँ बावी वाली, माँ शेरा वाली, हर एक पर माँ पहाड़ा वाली, हर एक की मनोकामना पूर्ण करे, आप सबके कष्ट को निहारे। इस समय की दृश्य हम आपको बता रहे सूर्यपुत्री तवी नदी के, और हम सबको मिलकर एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि हमारी जो सूर्यपुत्री तवी नदी है बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, क्योंकि ये प्राचीन नदी है, हमारा गौरव है, हमारी संस्कृति है। तो हमें इसे बचाकर रखना है, हमें इसे खूबसूरत बनाना है, ना कि गंदगी डालनी है। जब हम अपने घरों को साफ करते हैं अपना समझकर, तो क्यों नहीं सूर्यपुत्री तवी नदी को हम साफ रखते अपना समझकर। ये नदी नहीं, ये हमारी धरोहर है, इसे संभालना है। फिलहाल फिर से कहेंगे जाते जाते समस्त देशवासियों को, जम्मू कश्मीर की जनता को आज के दिन की रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आपके कष्ट निहारे, जो बीमार अवस्था में माता रानी ने स्वस्थ करे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवान।